गुड मॉर्निंग लीडर्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। मैं अरुण भारती आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं अपने खेत में, और जिस खेत के अंदर हमने एग्री 82, एग्री ग्रेनुअल और एग्री एक्वाजल का इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों, ये हमारा खेत है और बगल में भी खेत आप देख पा रहे होंगे। जिन खेतों के अंदर अभी एग्री 82 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, खाद डाल दिया गया है, लेकिन वेस्टिज के एग्री प्रोडक्टों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कलर आपको साफ जाहिर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यानी हमने अपने क्षेत्र के अंदर डाई यूरिया की मात्रा बहुत ना के बराबर डाली है और मैक्सिमम हमने वेस्टिज के एग्री प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं। इनका इस्तेमाल करने से डाई यूरिया की भी मात्रा बचती है और उसी खर्चे में ये सेट भी हो जाते हैं, और इनका ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, इनका कलर आप देख पा रहे होंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी वेस्टिज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आज ही अपने खेतों के अंदर वेस्टिज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने खेतों से पैदावार को बढ़ाएं। दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपकी खाद को भी बचाता है, नमी लंबे समय तक रखता है, और जब आपकी पैदावार होगी तो आपके जो दाने होंगे वो मोटे होंगे, सुडौल होंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, धान की खेती में एक स्पेशल रोग लगता है जिसको हरदी वाला रोग बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो हरदी वाला रोग भी आपके खेतों में नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिजल्ट आप साफ देख पा रहे होंगे। ये दोनों खेत हैं, एक खेत के अंदर एग्री व्यासी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी और का खेत है, और ये मेरा खेत है। मैं आपको दूर से भी इस वीडियो को दिखा पा रहा हूँ, आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा दोस्तों कि एग्री 82 का क्या रिजल्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी करें, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनसे ज़रूर संपर्क करें और वेस्टिज के एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने खेतों में ज़रूर करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।